मॉर्निंग एवरीवंस, मेरा नाम है मनीषा बजवाल। एक नए दिन की शुरुआत के साथ आपका स्वागत है उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं खेतों में काम करने के लिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं तुंगनाथ घाटी की वादियों। आजकल हो रही है गांव में खेतों में धान की बुवाई की तैयारी। तो सब लोग गांव में जितने भी लोग हैं आजकल खेतों में काम पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड जो कि अपने सीढ़ीदार खेतों के लिए फेमस है, तो वही यहाँ पर देखने को मिलेगा सीढ़ीदार खेत। आजकल खेतों में सरसों के फूल थोड़ा कम हो गए हैं क्योंकि सरसों का सीज़न अब फूलों का सीज़न अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आजकल उन पर बीज लगने शुरू हो गए हैं। तो चलिए फिर आगे आज के दिन क्या क्या होता है हम आपको दिखाते रहेंगे। तो हम अभी पहुंच चुके हैं अपने खेत में। ये थोड़ा मतलब अच्छा खेत नहीं है, तो यहाँ पे हल नहीं लग रखी है। तो बेटा आज मतलब भाई क्या ही बोलें, बहुत सारा हार्ड वर्क होने वाला है। यहाँ से वो उधर से इस पत्थर के पीछे से और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें खुद खोदना है कुदाल से। तो बहुत सारा हार्ड वर्क आज होने वाला है, तो देखते हैं क्या कुछ हम कर पाते हैं आज। इस वाले खेत को हमने
कुदाल से खोद लिया है, तो अब हमें जाना है ऊपर वाले खेत में, तो चलिए चलते हैं। दूसरा वाला खेत हमारा ये है, ये बहुत ही बड़ा है और इसमें भी बहुत सारा हमें काम करना होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। आपको, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, पहाड़ों में जितना खेतों में हार्ड वर्क किया जाता है उस हिसाब से आज के जो डेट है, आज के ज़माने में उतना हम लोगों को उतना अनाज प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जो जंगली जानवर हैं, भालू हो गया, सुमर हो गया और बंदर हो गए, वो अनाज काटने से पहले ही अनाज को नष्ट कर देते हैं। तो ये तो मतलब जो है कि मतलब टाइम पास जैसी वाली बात है कि हम लोगों को यहाँ पर जो काम करना पड़ता है तो वो एक टाइम पास जैसा है, तो फिर भी क्या करें, अपनी पहाड़ी ज़िंदगी है तो जीना तो पड़ेगा ही। सो आगे देखिए क्या क्या होता है और आपको हम ब्लॉग में दिखाते रहेंगे कि हम आज के दिन हम क्या क्या कर पाते हैं। हाल फिलहाल दीदी तो लग गई है दूसरे वाले खेत में काम करने पर और मैं कर रही हूँ वीडियो शूट। तो कुछ इस तरह का है यहाँ से व्यू, देखिए आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।